हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेलवे एनटीपीसी की जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा, 14 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि जो आपकी आंसर की है वो 16 अगस्त को रिलीज़ कर दी जाएगी। तो उससे ही जुड़ी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, कैसे आप आंसर की को देख सकते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको आंसर की चेक करना है, हाउ टू चेक आंसर की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जाना है। और ये देखिए, यहाँ पर लॉग इन करके दिखा रहा है, तो मैं आपको पूरी वीडियो इस चैनल में दिखाने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आने वाले समय में आपको रेलवे से जुड़ी और भी अन्य एग्जाम से जुड़ी खबरें देते रहेंगे। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि आपको जो है आपके आंसर की कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको आपके होम स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद जो है आपको गूगल पर टैप करना है। गूगल पर टैप करते ही आपका जो जोन है, या फिर आप जो मैं डाल रहा हूँ वही डाल सकते हैं, जैसे कि RRB बोर्ड भोपाल, या फिर आपने जिस जोन से अप्लाई किया वो डाल सकते हैं, जिसको जो भी आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ये देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है वेबसाइट खुलकर आएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देखिए भोपाल लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस पर आपको क्या करना, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए CEN 1 2019 NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अब लास्ट अपडेट है 14 अगस्त को। ठीक है, तो आपको ना इस लिंक पे जो है क्लिक, हेयर लिंक लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ये देखिए आपको यहाँ पर दो नोटिस दिख रहे होंगे, ये नोटिस फर्स्ट है और ये नोटिस सेकंड है। ठीक है, तो नोटिस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ये तो इसमें नोटिस है कि आंसर की कब आएगी और इसके बारे में। तो आपको सेकंड लिंक पर क्लिक करना है अगर आपको आंसर की देखना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो द लॉग इन टू फ्रॉम विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 16 अगस्त को कब से 20 आवर्स, यानी कि रात को 8 बजे जो है आपकी लिंक जो है वो एक्टिवेट होगी। और कब तक चलेगी, 23 अगस्त तक चलेगी, जो कि लास्ट 23 अगस्त रात 12 बजे तक जो है आपकी लिंक चलने वाली है। इसके पहले भी जो वाला नोटिस था मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नोटिस था ऑफिशियल, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। देखिए द कंप्यूटर बेस्ड, ये छोड़ दीजिए, ये सब लिखा रहने दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए BU क्वेश्चन पेपर आने की, क्वेश्चन पेपर देखने की जो डेट है वो 16 अगस्त 8 बजे है, और आपको जो ऑब्जेक्शन रेज करना है वो चालू होगी आपकी 18 अगस्त से, यानी कि 2 दिन बाद। ठीक है, और जो आप देख सकेंगे कब तक देख सकेंगे और ऑब्जेक्शन कब तक उठा सकेंगे, तो 23 अगस्त तक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन चार्ज भी लिखा हुआ है कितना लगेगा। ठीक है, तो द प्रिस्क्राइब फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन ₹15, है ना, ₹15 लगेगा आपका पर क्वेश्चन का। देखिए पर क्वेश्चन लगेगा, और प्लस बैंकिंग चार्जेस जो होंगे वो अलग से लगेंगे। ठीक है, अगर कोई भी जैसे आपका कोई, मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपका आंसर सही उनका गलत है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही वीडियो थी। और अगर आपको आने वाले, जैसे ही हम इसका जो रात को इसकी आंसर की रिलीज होगी तब भी हम एक वीडियो बनाकर आपको इससे अवगत करा देंगे, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।